हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको न्यू बोर्न बेबी ब्लैंकेट बनाना सिखाऊंगी। ये हम सनील फैब्रिक का बनाएंगे। ये हमारा रेडीमेड ब्लैंकेट है। जब हम बेबी को लेते हैं ब्लैंकेट में, क्योंकि अब विंटर का मौसम है, तो हम इसमें किस तरह लेते हैं बेबी को, इसको इस तरह रखते हैं और बेबी को लिटाकर इसके ऊपर इस तरह रैप करते हैं कि दूसरा कोना। और फिर जो ये नीचे वाला है इसको इसके ऊपर फोल्ड कर देते हैं। लेकिन जब हम बेबी को गोद में लेते हैं तो कभी हमारा ये निकल जाता है, कभी ये निकल जाता है, तो इससे बेबी को हवा लग सकती है और बेबी सेफ भी नहीं होता है इसमें। लेकिन मैं आज आपको इस तरह का ब्लैंकेट बनाना सिखाऊंगी कि आप बेबी को इसमें अंदर अच्छे से सेट कर देंगे और बेबी सेफ रहेगा और आप उसको आसानी से गोद में ले सकते हैं। बेबी ब्लैंकेट बनाने के लिए हमने ये फैब्रिक लिया है, ये हमने प्रिंटेड सनील का फैब्रिक लिया है। ये हमने पौना मीटर लिया है। इसका अर्ज हमारा काफ़ी बड़ा है तो इसलिए पौना मीटर लिया है। और ये हमने हाफ मीटर प्लेन लिया है। इसमें से हम कैप बनाएंगे और चारों तरफ बॉर्डर बनाएंगे। और ये एक हमने पैच वर्क लिया है इसकी कैप पे लगाने के लिए। और ये चिपकन ली है जिससे हम ये सेट करेंगे ब्लैंकेट को, जिससे बेबी इसके अंदर सुरक्षित रहेगा। और ये हमने फॉर्म ली है। जो हमारा ये प्रिंटेड फैब्रिक है इसको हम दो पीस में कट करेंगे, 35 बाई 35, क्योंकि इसमें न्यू बोर्न बेबी अच्छे से सेट हो जाएगा। 35 हम ऐसे लेंगे और 35 हम ऐसे लेंगे और इस तरह ये चकोर पीस कट कर लेंगे। दो पीस इसके कट करेंगे और एक पीस हम अपनी फॉर्म का कट करेंगे। जितना ये हमारा फैब्रिक होगा उतनी हम ये फॉर्म कट करेंगे, 35 बाई 35 इंच। इस तरह हमने ये चकोर फैब्रिक कट कर लिया है और फैब्रिक को हमने फॉर्म पर रख लिया है। अब हम पहले इसको कट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये फॉर्म कट कर लिया है फैब्रिक के अकॉर्डिंग। अब हम इस फैब्रिक को इस तरह खोल लेंगे। एक फैब्रिक हमारा इसके ऊपर आ गया फॉर्म के और एक हमारा इसके नीचे आ जाएगा। इस तरह हमने ये अपना फैब्रिक सेट कर लिया है। ये फैब्रिक, फिर फॉर्म और फिर नीचे फैब्रिक। पहले हम यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे चारों तरफ, जिससे हमारा फैब्रिक और फॉर्म सेट हो जाए। इस तरह हमने इसको चारों साइड से पिनअप कर लिया है और इसको सेट कर दिया है। अब हमें एक कोने पर कैप लगानी है, तो कैप के लिए हम ना फैब्रिक कट करेंगे। कैप बनाने के लिए हम इस तरह एक कोना लेंगे, चारों में से कोई सा भी एक कोना ले सकते हैं और जिस फैब्रिक की हमने कैप बनानी है उसके ऊपर सेट कर देंगे। इस तरह हमने ये प्लेन फैब्रिक यहाँ पर सेट कर दिया है। अब हमें कैप की लेंथ रखनी है। एक कोना ये लेंगे लेंथ रखने के लिए। ये हम यहाँ पर 10 इंच की रखेंगे। 10 इंच में हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे यानी कि 11 इंच की। इसी तरह यहाँ पर 11 इंच पर निशान लगाएंगे। और इन निशान को मिला देंगे। ये हमने गोलाई में कट किया। आप चाहे तो आप इसको सीधा भी कट कर सकते हैं। अब जो हमारा ये 1 इंच एक्स्ट्रा है इसको हम फोल्ड करेंगे। इस तरह हमने इसको फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर एक सिलाई लगाकर इसको तैयार कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसको यहाँ पर सेट करेंगे। इस तरह हमने इसको फोल्ड कर लिया है गोलाई में। और अब हम यहाँ पर एक टैटू लगाएंगे। इसके चारों तरफ एक सिलाई लगाकर इसको यहाँ पर सेट कर देंगे। वैसे ये हमारा आयरन से यहाँ पर सेट हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार हम इस पे सिलाई लगाकर इसको सेट करेंगे।
इस तरह ये हमारा आयरन से सेट हो गया है इस पे। और एक सिलाई हम इसके ऊपर और लगा देंगे जिससे ये और अच्छे से सेट हो जाए। इस तरह हमने ये फ्लावर्स सिलाई लगाकर यहाँ पर सेट कर लिया है। अब हम इसको यहाँ पर सेट करेंगे कोने पर। ये कोना लेंगे अपना, एक कोना। और ये कैप यहाँ पर सेट कर देंगे। इस तरह हमने ये कैप सेट कर दी है। अब यहाँ पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह हमने ये सिलाई लगाकर अपनी कैप सेट कर ली है। अब हमें इसके लिए गोट तैयार करनी है। गोट के लिए हम प्लेन फैब्रिक लेंगे और 4-4 इंच की पट्टी कट करेंगे जो हमारी ब्लैंकेट के चारों साइड आ जाए। ये प्लेन फैब्रिक लेंगे और इसकी 4 इंच की पट्टी कट करेंगे, 4-4 इंच की। इसको पहले हम पूरा फोल्ड कर लेंगे जिससे हमारी पट्टी थोड़ी आसानी से कट जाए। इस तरह हमने इसको पूरी लंबाई में फोल्ड कर लिया है। और यहाँ पर हम 4-4 इंच के निशान लगाकर पट्टियाँ कट कर लेंगे। इस तरह हमने ये 4-4 इंच की चौड़ाई में पट्टी कट कर ली है। अब हम पहले इन पट्टी को ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरह हमने ये पट्टी ज्वाइंट कर ली है, एक इसकी लंबी पट्टी तैयार कर ली है। अब हम ये अपना ब्लैंकेट लेंगे और यहाँ पर इसको सेट करेंगे पट्टी को। ये पट्टी हम यहाँ बीच से शुरू करेंगे लगानी। फैब्रिक को पहले बिल्कुल सेट कर लें जिससे बाद में फैब्रिक ऊपर की साइड ज़्यादा कम ना लगे आपको। अब हम ये इस तरह गोट तैयार करेंगे अपनी। यहाँ बीच में से कहीं से भी इसको स्टार्ट करेंगे लगाना और इसको हम बिल्कुल भी खींच के नहीं लगाएंगे, नहीं तो हमारा ब्लैंकेट तिरछा हो जाएगा। अब ये जो हमारा कैप का पोर्शन है इसके ऊपर भी इस तरह ले लेंगे। और जैसे ये हमारा कॉर्नर आएगा इसको हम इस तरह लेंगे। यहाँ पे जो हमारा फैब्रिक है वो थोड़ा एक्स्ट्रा होगा, बीच में एक गैदर डाल लेंगे जिससे बाद में इसको फोल्ड करने में हमें आसानी रहे। बाद में जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो इसमें खिंचाव नहीं आएगा। इसी तरह हम इसको चारों साइड सेट कर लेंगे पट्टी को और कोने पे हम एक गैदर डालेंगे जिस तरह मैंने आपको बताया है। इस तरह हमने ये चारों साइड गोट तैयार कर ली है। आप चाहे तो इसको डबल करने के बाद भी इसको लगा सकते हैं, वो भी आपको इजी पड़ेगा इसको सेट करने में। अब हमें इसको सेट करना है, वो किस तरह करना है। ये हमारा बैक साइड है तो इसको हम गोट को एक बार फोल्ड करेंगे इस तरह और इसके ऊपर रख देंगे। आप चाहें तो पहले यहाँ पर जो हमारा ये फोल्ड कर रहे हैं हम यहाँ पर एक सिलाई भी लगा सकते हैं पहले चारों तरफ, उसके बाद इसको इस तरह रख के आराम से आप फोल्ड भी कर सकते हैं, या आप इसको डबल गोट भी लगाकर फोल्ड कर सकते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत ईजी होगा। इस तरह हम ये पूरा फोल्ड कर लेंगे चारों तरफ से। इस तरह हमने ये चारों तरफ अपनी गोट रेडी कर ली है, चारों तरफ से इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे और अपनी स्टेप्स लगाएंगे। तो उसके लिए अगर आपके पास बेबी है और उसका बना रहे हैं आप तो उसको लिटाकर फिर आप फोल्ड करें, फिटेड हो जाएगा। तो अभी हमारे पास बेबी नहीं है तो हम ये ब्लैंकेट रख लेंगे। इस तरह ये यहाँ पर इसका ऊपर हेड आ गया है
और ये यहां पर आएगा और एक इसके ऊपर आएगा इस तरह, और ये वाला नीचे का पोर्शन यहां आ जाएगा। तो यहां पर इसको सेट करने के लिए हम पट्टी लगाएंगे चिपकने वाली। ये हमारी चिपकने वाली पट्टी है। तो ये हमें कैसे लगानी है, एक पीस हम यहां पर लगाएंगे इस तरह, और दूसरा पीस इसके ऊपर। एक कोने पर तो ये हमारा फिर बेबी को लिटाने के बाद इस तरह सेट हो जाएगा। इसी तरह ये वाला लगाना है हमें। चाहे तो आप इसको नीचे भी लगा सकते हैं, जैसे कि इस तरह। पहले हम ये वाला पीस ले लेंगे और फिर ये लेंगे और फिर ये लेंगे। तो उसके लिए हमें यहां पर लगाना होगा एक, और एक यहां पर लगाना होगा अंदर की साइड। फिर ये हमारा इस तरह आ जाएगा। तो इससे हमारा बेबी अच्छे से कवर हो जाएगा और उसको ठंड नहीं लगेगी, अंदर हवा नहीं जाएगी। इस तरह जो हमने ये चिपकाने वाली पट्टियां लगाई हैं, इनको पहले यहाँ पर सिलाई लगाकर सेट कर देंगे। इस तरह हमने ये स्टेप्स लगाकर चिपकने वाली इसको तैयार कर लिया है। ये हमारा ब्लैंकेट तैयार हो गया है। हम आपको एक बार इसमें बताएंगे कि हम बेबी को किस तरह लिटाएंगे और किस तरह इसको पैक करेंगे। यहाँ पर ये हमने दो दो लगाए हैं। अगर थोड़ा पतला बेबी है तो इसको बंद कर सकते हैं, और थोड़ा हैवी है तो यहाँ से इस तरह। हमारा बेबी अच्छे से कवर हो जाएगा और इसको ठंडा नहीं लगेगा। देखिए कितना प्यारा लगा है। यहाँ से भी ये कवर है, नीचे से भी और ऊपर से भी, और यहाँ पे ये इसकी कैप। और इसको बेबी को हम आसानी से गोद में भी ले सकते हैं। इस ब्लैंकेट में मैंने फोम और ये सनील का फैब्रिक यूज किया है, क्योंकि ये दोनों ही गर्म होते हैं। फोम भी गर्म है और ये वाला फैब्रिक भी हमारा गर्म है। इसमें आप बेबी को लिटाएंगे तो ठंड नहीं लगेगी और बेबी सेफ रहेगा, और आपको मार्केट या कहीं भी ले जाने में आसानी होगी। तो आप भी इस तरह का ब्लैंकेट बनाकर जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।